हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। इस बैच में सभी का स्वागत है, आ जाइए। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर लर्नर, सभी को गुड इवनिंग। अच्छा, लुकिंग यंग, थैंक यू। देखिए, जो बच्चे हमारे पहले कभी किसी ऑनलाइन बैच में नहीं पढ़े, जिन्होंने सबसे पहले यही बैच हमारा ज्वाइन किया ऐसे फाउंडेशन में, उनको एक बार बता देता हूँ कि ये जो आपकी लाइव क्लासेस हैं, जो आपके लाइव क्लासेस का स्केड्यूल है 5 to 6 PM इन द इवनिंग, ठीक है, तो ये यही रहेगा। लाइव क्लासेस के लिए आप एग्जैक्ट मतलब शार्प 5 PM पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाया करेंगी, अनलेस एंटिल देर इज सम एमरजेंसी, ठीक है। अदरवाइज आपकी क्लासेस हमेशा टाइम से स्टार्ट होंगी, और जिस तरीके से आपके स्कूल कॉलेज में या फिर जब आप क्लासरूम कोचिंग के लिए जाते हैं वहां पे एक स्केड्यूल होता है और उसी के हिसाब से क्लासेस हमेशा चलती हैं, वैसे ही आपकी ऑनलाइन में चलेंगी, ठीक है। आपकी रेगुलर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी, 5 to 6 PM में होंगी, ठीक है, और यही स्केड्यूल हमेशा चलता रहेगा। मतलब आप इस इंतजार में ना बैठेंगे आज आपको कोई मैसेज ड्रॉप किया जाएगा, मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा क्लास कितने बजे से है, कौन से दिन है, कौन से नहीं है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर डेज में आपकी रेगुलर वीक डेज में क्लास होगी और 5 to 6 PM होगी, ठीक है। शार्प 5 PM पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी और शार्प 6 PM पे एंड हो जाएगी, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों सभी को। हाँ, टेक एग्जाम्पल्स ऑफ SSC CGL एज वेल। बिल्कुल बच्चे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ा सा, हालांकि मैंने पहले भी समझाया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ इस बैच में क्या होगा, ठीक है। अभी तक जैसे हमारे जो बैचेस होते थे ना, उनमें हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंग्लिश को डील करते थे, ठीक है। लेकिन इस बैच में हम इंग्लिश को केवल कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डील करेंगे, इसमें जो आप जैसे ही जानते हो, इसमें दो और टीचर्स भी हैं मेरे साथ में जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश लर्निंग में। तो हम इसमें जैसे प्रोनंसिएशन के क्लासेस हैं, वोकैब की डेडिकेटेड क्लासेस हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस हैं, पंक्चुएशन की क्लासेस हैं, ठीक है, वो सब भी आपको साथ में मिलेंगी, ठीक है, जिससे कि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज आपकी डेवलप हो। अच्छा, दूसरा ये कि जो हम आपको ग्रामर में सिखाएंगे, सबसे पहले तो हम बेसिक्स कवर करेंगे, बेसिक टर्म्स एक बार सारे बच्चों को क्लियर हो जाएं, क्योंकि काफी बच्चे इस बैच में नए हैं, ठीक है, तो फ्रेशर कह सकते हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एक बार उनको सबको जो बेसिक टर्म्स हैं ग्रामर के, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उनको रिवाइज करवाएंगे, ठीक है, और या सिखाएंगे, और उसके बाद में फिर आपका स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स जिन पे बेस्ड हम गलतियां करते हैं और उन पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और हमसे गलतियां होती हैं, ठीक है, तो वो एंगल भी इसमें कवर किया जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हाँ, तो देखिए एक्साइटेड हो, बहुत अच्छी बात है बच्चे, एंड आई एम टू, मैं भी हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, एक्साइटेड है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक दो मतलब थोड़ी सी ब्रीफिंग हो जाती है, आज की पहली क्लास है तो पहली क्लास में हम कुछ तो स्टार्ट कर ही देंगे, खैर वी शैल लर्न अ बिट, लेकिन मैं आपको ना एक मतलब आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्लासेस अपनी कंटिन्यू करनी है लाइव बैच में, ठीक है। देखिए, राम राम बच्चे, दानवीर यादव, राम राम। तो देखिए, एक दो बातें आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका बैच है, इस बैच में आपको एक लाइव लेक्चर प्लस 3 रिकॉर्डेड व्यूज ऑफ द लेक्चर ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये जो आपका बैच है ऐसे फाउंडेशन जिसमें आप एनरोल्ड हुए हैं, थैंक यू बच्चे विकास,
तो ये जो बैच है जिसमें आप एनरोल्ड हैं असेक फाउंडेशन में, इसमें क्या होगा, आपका एक लाइव व्यू होगा लेक्चर का, मतलब जैसे लाइव लेक्चर होगा तो एक तो आपको लाइव व्यू मिलेगा, ठीक है, और उसी लेक्चर के 3 रिकॉर्डेड व्यूज आपके पास होंगे, रिवीजन के लिए नोट्स बनाने के लिए 3 आपके पास व्यूज और होंगे, ठीक है। अब देखिए इनको कैसे यूटिलाइज करना है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो आपका लाइव लेक्चर है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना है, बस अगर आपके पास हैं ईयरफोन्स वगैरह हैं, ठीक है, तो कोशिश करनी है कि कोई ऐसा कॉर्नर, कोई एक ऐसा स्पेस आप मतलब 1 घंटे के लिए अपना मतलब ऐसी जगह पे रहें जहां पर शोरगुल ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई बात करने वाला ना हो, कोई इधर उधर का ज्यादा शोर ना हो, ठीक है। और अगर आपके पास हो ईयरफोन्स वगैरह, ठीक है, देन जस्ट पुट योर ईयरफोन्स ऑन, अपना ईयरफोन्स ऑन करो, ठीक है, और 1 घंटे तक जो भी आपको बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, मतलब समझाया जा रहा है बोर्ड पे, बस उसको बड़े ध्यान के साथ देखो, सुनो, समझो, मतलब उसको एज इट इज रियलाइज करने की कोशिश करो, और इस तरीके से फील करो, सपोज यू आर इन द क्लास एंड यू आर इन द क्लासरूम एंड द टीचर इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, तो इस तरीके से आपको फील करना है मतलब पढ़ते समय कि आप क्लासरूम में हो और टीचर आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करके आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तो जो लाइव व्यू है उस समय कुछ नहीं करना है, ठीक है, बे मतलब ध्यान इधर उधर भटक जाएगा, कोई ऐसा हो सकता है कि काम की बात आप सुनने से चूक जाओ या नहीं समझ ना पाओ या सुन ना पाओ, ठीक है, तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक। हम मेहनत भी करें, पता चले किसी छोटी मोटी गलती की वजह से फिर हमारी मेहनत पे पानी फिर जाए, ऑनलाइन में यही होता है ज्यादातर टाइम, बच्चों के साथ में यही हो जाता है क्योंकि वो उतना डिसिप्लिन रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं उनसे, कभी इस लेक्चर में कभी उस लेक्चर में, और वो जो छोटी छोटी कमियां होती हैं उनकी वजह से उनका नुकसान बड़ा हो जाता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि लाइव लेक्चर के टाइम में बिल्कुल भी उधर उधर ध्यान नहीं ले जाना है, ठीक है, और बिल्कुल शांत जगह पे बैठना है, ईयरफोन्स अपने लगा लेने हैं, और उसके बाद में जो कहा बताया जा रहा है उसको बिल्कुल उसी तरीके से रियलाइज करना है कि जैसे टीचर आपके सामने है और अभी आपसे पूछ भी सकते हैं कि भाई क्या समझ में आया, ठीक है, मतलब इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि ये जो सर हमें पढ़ा रहे हैं ये हो सकता है अभी हम ही से पूछना दें, क्या भाई समझ में आया, क्या मैंने कहा अभी जल्दी बता, ठीक है। तो मतलब हर एक बात को ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करनी लाइव लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है, जैसे जब लाइव लेक्चर आपका है वो उसके बाद में वो रिकॉर्ड हो जाता है आपका, अवेलेबल हो जाता है आपके कोर्स में, ठीक है, तो जब आप उसको सेकेंड टाइम देखेंगे, जब मतलब उसका रिकॉर्डेड व्यू देखेंगे, तब नोट्स बनाइए, ठीक है। अच्छा, एक अपना रजिस्टर लीजिए और पेन लीजिए, और अपना लाइव लेक्चर जो आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको स्टार्ट कीजिए, और जो भी बात आपको लगे कि हाँ भाई, जैसे देखिए बहुत सी बातें तो आपको बोर्ड पे लिख के बताई जाती हैं, काफी होती है ना, उनको एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन किया जाता है ओरली, उनको लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, तो उन बातों को लिखें, स्पेशल पॉइंट्स वगैरह बना के, हैश बना के, स्टार बना के उनको लिख लें, ठीक है, कि दिस वॉज द स्पेशल पॉइंट मेंशनड हियर व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। तो नोट्स जो है ना वो आपको रिकॉर्डेड व्यूज के टाइम में बनाने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कई बार मैंने देखा है जैसे ऑनलाइन में क्लासरूम में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत करने से बचना चाहते हैं, पता नहीं वो नोट्स क्यों नहीं बनाना चाहते, क्यों उनको मुश्किल लगता है नोट्स बनाना, मैं आपको बताता हूँ। जब हम नोट्स बनाते हैं तो उससे एक तो हमारा रिविजन हो जाता है अच्छे से, ये फायदा है। दूसरा क्या होता है कि इन केस अगर हम लाइव लेक्चर में थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया होता है, तो जब हमें नोट्स बना रहे होते हैं तो वो सब हमें रिकॉल हो जाता है, फिर वो मतलब अगर कोई बात मिस हो रही होती है हमारे दिमाग से, ठीक है, तो दिमाग में वो वापस आ जाती है, नोट्स बनाते समय हम उसको समझने की, कनेक्ट करने की, रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे समझ में आ जाती है, नहीं समझ में आ जाती है तो कम से कम हमारे पास एक डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में पूछने के लिए। तो नोट्स बनाने के बड़े फायदे होते हैं, नोट्स बनाने से आपका रिविजन हो जाता है, नोट्स बनाने से इन केस आप कोई पॉइंट मिस कर रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो, ठीक है, कोई इंटरप्रिटेशन आप मिस कर रहे हो, तो वो आपको दिमाग पे जोर लगा के समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो समझ में आ जाए, नहीं समझ में आ जाएगा तो एटलीस्ट आपको पता चल गया कि भाई ये मेरा डाउट है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे ये पूछना है कि पिछली क्लास में ये पढ़ाया गया था मुझे समझ में नहीं आया, तो अपना नेक्स्ट लाइव लेक्चर होगा तो उसमें अपना पूछ लो कि भाई सर ये आपने पढ़ाया लास्ट क्लास में, आई कुडंट गेट इट, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि नोट्स हमेशा अपने आप ही बनाया करो, ठीक है, क्योंकि हम किसी काम के साथ में स्पेशली लर्निंग में जितना हम फिजिकली इमोशनली मेंटली इन्वॉल्व होते हैं, लर्निंग उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव, उतनी ही ज्यादा मतलब परमानेंट होती है, ठीक है। अगर हम किसी काम, कोई पर्सन पढ़ा रहा है, हम केवल उसे देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो हमें पढ़ा रहा है अगर हम उसको देखने सुनने के अलावा अपने तरीके से लिखेंगे भी, मिटाएंगे भी, ठीक है, तो फिर वो ज्यादा अच्छा हमें समझ में आएगा और ज्यादा समय तक हमें याद रहेगा, मतलब वो हमारी मेमोरी में धीरे धीरे ज्यादा मतलब अच्छा चला जाता है।
तो नोट्स अपने बनाने हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने से अगर रिजल्ट आ जाए तो मेहनत से भागना नहीं चाहिए। और पता चले कि हमने मेहनत करने से बच गए लेकिन हमारा काम नहीं हो पाया जो हमें करना था, तो फिर ऐसे मेहनत से बचने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो मेहनत करना पहली बात, नोट्स बनाना, एक दो और बातें बता देता हूँ वो ध्यान रखना। ठीक है, लाइव लेक्चर्स को ना मिस करने की कोशिश, मतलब कोशिश करना कि लाइव लेक्चर्स मिस ना हो। देखिए होता है, पता है क्या, जैसे जो लाइव लेक्चर होता है ना आपका, ये बोनस होता है बच्चे, इसका कोई आपको कंपनसेशन तो मिलता नहीं है भाई। मान लीजिए अगर आप लाइव लेक्चर मिस कर गए तो ऐसा तो है नहीं कि उसके कंपनसेशन में आपके व्यू जो है रिकॉर्डेड लेक्चर के 3K 4 हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है? या उसका कोई और कंपनसेशन आपको मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो लाइव लेक्चर जो होता है ना वो आपका बोनस होता है, यू शुड नॉट मिस इट। मतलब अगर कोई इमरजेंसी है तब तो अलग बात है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप लाइव लेक्चर्स को हमेशा अटेंड करें, ठीक है? लाइव लेक्चर्स अटेंड करने के पीछे मैं स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ समझना है। इसको स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ, एक तो वो आपका बोनस होता है, अगर आप उसको मिस करोगे तो उसके कंपनसेट मतलब वो होगा नहीं, वो कंपनसेट नहीं होगा, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो आपका नुकसान ही हो जाता है, ठीक है? दूसरा क्या होता है, जब हम लाइव लेक्चर्स अटेंड करने के आदी हो जाते हैं, मतलब आज का हमने लाइव लेक्चर अटेंड किया, नेक्स्ट भी लाइव लेक्चर अटेंड करेंगे, नेक्स्ट भी लाइव लेक्चर अटेंड करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होता है, एक पंक्चुअलिटी, एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है हमारी, ठीक है? वी बिकम पंक्चुअल एंड रेगुलर कि भाई आज तो क्लास है 5 बजे से, हमें क्लास अटेंड करनी है, खेलने नहीं जाएंगे या टीवी नहीं देखेंगे या यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे। वो जो हम रेगुलर और पंक्चुअल बनते हैं ना, वो हमें एक ट्रू लर्नर बनाता है और उससे हमें सीखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, ठीक है? तो कभी भी किसी लाइव लेक्चर को मिस ना करें, डू अटेंड ऑल द लाइव लेक्चर्स, ठीक है? बी पंक्चुअल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो क्लासेज हैं, अगर 5 PM to 6 PM का बैच है, ठीक है, तो आप मान के चलें क्लास 5 PM पे ही स्टार्ट होगी, ठीक है? 1-2 मिनट भी लेट नहीं होगी, 5 PM पे क्लासेज स्टार्ट होगी। देन बी पंक्चुअल एंड रेगुलर, ठीक है? और अगर मंडे टू फ्राइडे का बैच है तो क्लास फिर मंडे टू फ्राइडे ही होगी, इस तरीके से। तो अपनी पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी मेंटेन करें, लाइव लेक्चर्स को बिल्कुल भी मिस ना करें जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, ठीक है? डिटेल्ड नोट्स बनाएं अपना रिवाइज करते समय लेक्चर को, लाइव लेक्चर के टाइम में नोट्स ना बनाएं। हाँ बालूराम बच्चे ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ ये सब आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो आपके डाउट्स हैं ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर्स उनको पूछें। लाइव बैच ज्वाइन करने का यही फायदा है कि जो आपके अपने डाउट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हो, ठीक है, आपको जो पढ़ाया गया इन केस आपको समझ में नहीं आया है या उससे कोई रिलेटेड डाउट आपको मतलब दिमाग में आया है, ठीक है, तो आप अपने डाउट्स को लाइव लेक्चर्स में पूछें, हमेशा ये आदत डालें। व्हाट्सएप नंबर वगैरह हमने आप लोगों को दे रखा है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट्स ना पूछें, ठीक है? क्योंकि व्हाट्सएप नंबर देखिए क्या होता है, मुझे लगता है दुरानी सर को व्हाट्सएप नंबर है, वो शायद डाउट्स उस पर डिस्कस करते नहीं है। मैंने जो आपको नंबर दिया है व्हाट्सएप के लिए, ठीक है, तो उस पे अगर आप डाउट्स पूछेंगे, उसमें बहुत डाउट्स आते रहते हैं, वो मैं 3-4 दिन बाद कभी रिप्लाई करता हूँ तो करता हूँ, ठीक है? तो अपने आपके जो अपने डाउट्स हैं वो लाइव टाइम में पूछें, जब लाइव लेक्चर चल रहा है उसी बीच में अपने पूछें, ठीक है? अच्छा दूसरी बात ध्यान रखें, डाउट्स पूछते समय ना रेलिवेंट रहें और प्रिसाइज रहें, ठीक है? रेलिवेंट का मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा चुका है उससे रिलेटेड डाउट्स ही पूछें, इधर उधर के डाउट्स ना पूछें, ठीक है? होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, मैंने एक क्यूरियोसिटी होती है। गुड इवनिंग बच्चे। बिल्कुल बच्चे, राहुल निगम, हाँ सुजैन मैम है, वो आपके स्पोकन भी डील करेंगी, ठीक है? हाँ एंड शी विल ट्रेन यू वेरी वेल, ओके? तो अभी तो खैर इस वीक तो मैं ही क्लास आपकी ले रहा हूँ सारी, इस वीक जो आपकी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास मैं ही लूंगा, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जब आप अपने डाउट्स पूछते हैं ना, तो वहां पे कोशिश करें कि आप रेलिवेंट रहें, डाउट्स जो हैं वो पूछें उन कॉन्सेप्ट से, चैप्टर से रिलेटेड जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं या जो आपको पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है? कई बार बच्चों में ना क्यूरियोसिटी होती है, वो सोचते हैं लाओ यहाँ के भी पूछ लें, वहां के भी पूछ लें, उस कोचिंग में कभी पहले पढ़ा होगा वो भी पूछ लें, 1000 साल पहले का क्वेश्चन है वो भी पूछ लें, ठीक है? तो ऐसे रहने से होता क्या है ना कि ना आप फोकस कर पाते हो और टीचर को भी डिस्टर्ब करके रख देते हो। उसमें क्या होता है कि बच्चा भी डिस्टर्ब है, डिस्ट्रेक्टेड है, वो पढ़ाया जा रहा है उसके अलग, उसका कहीं ध्यान जा रहा है और टीचर का भी ध्यान उसके अलग ले जा रहा है। यू ट्रस्ट मी, आप मेरा मतलब विश्वास करें, जब सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, आपके बहुत से डाउट्स ऐसे रहेंगे जो आपको पूछने भी नहीं पड़ेंगे और उनके आंसर्स आपको अपने आप मिलेंगे, ठीक है? तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको डाउट्स ना के बराबर पूछने पड़े, ठीक है? अच्छा ज्यादा डाउट्स बैच खत्म होने के बाद में या सिलेबस कवर होने के बाद में वही बच्चे पूछते हैं जिन्होंने जब उनको पढ़ाया जा रहा होता तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता, ठीक
है, क्योंकि जब उनको पढ़ाया जा रहा होता है तो उनका ध्यान उधर उधर की बातों में था, जब हम उनको समझा रहे थे कुछ तो वो पूछ रहे थे कुछ, ठीक है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे कि ये गलतियां करते हैं बच्चे ऑनलाइन लर्निंग में, ठीक है। जो ऑनलाइन बैचेज चलते हैं, चाहे मैं चला रहा हूँ ऑनलाइन बैचेज या कोई भी चला रहा हो, तो ऑनलाइन बैचेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। उसके पीछे क्या वजह है वो मैंने जो आज तक जानी है मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप अपने साथ में उन्हें ना होने दें, ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि हाँ रिलीवेंट रहें, जो आपको पढ़ाया समझा जा रहा है ना, आप उस पर धीरे धीरे ध्यान दें। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट्स और नए चैप्टर्स आपको सामने रिवील किए जाएंगे, आपके काफी डाउट्स ऐसे रहेंगे जो आपको पूछने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, दे विल गेट आंसर्ड, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आंसर हो जाएंगे, आपको पूछने की नौबत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ी में ना रहे, कोई जल्दबाजी में ना रहे, आपके टीचर्स भी हड़बड़ी या जल्दबाजी में नहीं होंगे आपको पढ़ाते समय, और आपको भी नहीं रहना है, ठीक है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, एक कहावत आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये रहना है, और डाउट्स को ना शॉर्टेस्ट कम से मतलब फॉर्म में पूछना है, ज्यादा डाउट्स को घुमाना फिराना नहीं है। आप जैसे यू जस्ट लीव अ हिंट, आप अपना एक हिंट छोड़ दो कि भाई ये डाउट है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। एंड देन द टीचर विल टेक केयर ऑफ इट, वो टीचर आप खुद उसकी मतलब वो जान जाएंगे, ठीक है। आप डाउट्स पूछोगे तो मैं खुद जान जाऊंगा ये डाउट किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और क्यों ये डाउट दिमाग में आया, वो समझा मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, आप डाउट एक्सप्लेन करके ना पूछें, ठीक है। खैर ये ध्यान रखना है, और दूसरा उसके बाद में जो लर्निंग एक्टिविटीज होंगी, जैसे हमारा अभी प्लान ये है कि हम सैटरडेज को मतलब नॉट ऑल सैटरडेज बट हम सैटरडेज को मतलब कुछ क्विज टाइप क्लासेस या मतलब लाइव टाइम में आपसे जैसे क्विज वगैरह करवाएंगे तो उनके आंसर्स वगैरह आपको देने, तो इस तरीके जो लर्निंग एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, सारी लर्निंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, किसी भी लर्निंग एक्टिविटी को मिस ना करें। ये ना सोचेंगे नहीं हमारी तो क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है 5 to PM, मंडे टू फ्राइडे होती है 5 to 6, हम तो वही अटेंड करेंगे, बाकी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर लर्निंग, वो आपकी लर्निंग का पार्ट है, उसको मिस ना करें। कोई असाइनमेंट्स वगैरह आपके साथ जब शेयर किए जाएंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, तो उनको सॉल्व करें, ठीक है। मतलब डोंट टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ठीक। अच्छा दूसरा, मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग इंग्लिश इन योर एवरीडे कम्युनिकेशन इफ यू वॉन्ट, मतलब ऑब्वियसली बात है आपने बैच ज्वाइन किया तो आप इंग्लिश को अपना इंप्रूव करना ही चाहते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, लैंग्वेजेस जो होती हैं, लैंग्वेजेस आर नॉट लर्न जस्ट टू मेमोराइज देयर रूल्स, मेमोराइज द वर्ड्स, मेमोराइज देयर मीनिंग्स। लैंग्वेजेस आर लर्न टू डेवलप स्किल, लैंग्वेजेस आर स्किल्स, भाषाएं जो होती है ना वो एक स्किल होती हैं। यू स्किल का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, स्किल मीन्स यू मस्ट बी एबल टू यूज इट फॉर योर गुड और फॉर योर बेटरमेंट, आप अपने भले के लिए उसका यूज कर पाए, बेहतर बनने के लिए, ठीक है, उसका यूज कर पाए। अनलेस एंटिल वी कैन यूज अ लैंग्वेज, इट इज ऑफ नो यूज टू अस। अगर हम किसी भाषा का यूज नहीं कर सकते प्रैक्टिकल लाइफ में, इसको एवरीडे लाइफ में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखना है और हम इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख रहे हैं, हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज लिखना है हम इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख रहे हैं, हमें कोई ईमेल लिखनी है हम इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, हमें कोई बुक खरीदनी है, मान लीजिए हमें कोई कहानियों की बुक खरीदनी है, शॉर्ट स्टोरीज की बुक खरीदनी है, या कोई हमें मतलब कोई भी बुक खरीदनी है या मैगजीन खरीदनी है और हम इंग्लिश की नहीं हिंदी की खरीद रहे हैं, ठीक है, हम टेलीकॉलर के साथ में या किसी हेल्पलाइन नंबर पर बात कर रहे हैं और हम हिंदी में इंग्लिश के बजाय हिंदी में कर रहे हैं, ठीक है, तो हम भाषा का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल बस रूल्स हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, इनके लिए लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस आर स्किल्स, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, एंड जो मैं कहना चाहता हूँ आप उसको समझना, लैंग्वेज को केवल उसके रूल्स याद करने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स याद करने के लिए, वर्ड के मीनिंग्स याद करने के लिए ना सीखें, लैंग्वेज को सीखें उनको रियल लाइफ में यूज करने के लिए। लैंग्वेज इसलिए सीखें जिससे कि हम इनको अपने रियल लाइफ में यूज कर पाएंगे, ठीक है। सपोज वी आर गोइंग समवेयर एंड देर इज नो बडी हु कुड टॉक इन इंग्लिश, ओ सॉरी, देर इज नो बडी हु कुड टॉक इन हिंदी, एंड इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद समवन देन वी नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, देन वी शुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, ओके। मैं ये नहीं कहता आप अपने घर वाले घर के लोगों के साथ में इंग्लिश बोलने लग जाओ, जहां पे नहीं जरूरत हो आप वहां पे इंग्लिश बोलने लग जाओ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश व्हेन इट इज नीडेड। लेकिन जरूरत पड़ने पे आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ठीक है, जरूरत पड़ने पे आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, जरूरत पड़ने पे आपको इंग्लिश समझनी आनी चाहिए। अदरवाइज तो देखिए, अदरवाइज तो हम अपने आसपास के वर्ल्ड के साथ में मोस्टली इंटरेक्ट करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज या हिंदी में, जैसे हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो बेसिकली हम हिंदी में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको धीरे धीरे ना बढ़ाओ इंग्लिश की तरफ, ठीक है,
जैसे हमारे जो एवरीडे कम्युनिकेशन होते हैं ना, इनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बढ़ाओ। व्हाट्सएप मैसेजेस इंग्लिश में लिखने शुरू करो, ठीक है। फिर उससे अपनी कोई एक डायरी बनाओ, डेली डायरी वगैरह होते हैं ना, काफी लोग बनाते हैं, तो अपने एक डेली डायरी बनाओ। एंड एवरी डे इन द नाइट व्हेन यू गो टू बेड, पॉइंट द पॉइंट्स, राइट डाउन द पॉइंट्स और राइट डाउन द इवेंट्स दैट हैपेंड विद यू अराउंड यू ड्यूरिंग द डे। तो रात को जब आप सोने जाते हो, तो मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ आप इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। हाँ, केवल टीचर ने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, मैंने फीस ली, तुमने फीस दी और इंग्लिश सीख गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपनी एक डेली डायरी बनाएं। मतलब कोई जरूर डायरी कहते हैं उसे, कोई जरूरी नहीं, आप डायरी ही खरीद के लेकर आओ, कोई अच्छा रजिस्टर भी ले सकते हो, ठीक है। और उसमें क्या करो, जब रात को सोने के लिए जाते हो, ठीक है, उससे पहले अपना ऑल द इवेंट्स दैट हैपेंड विद यू और अराउंड यू ड्यूरिंग द डे, यू जस्ट नोट देम डाउन, उनको अपना लिख लो। जो भी उसमें आपको लगता है कि हाँ भाई ये लिखने वाली बात है, उसको अपना लिख लो, इंग्लिश में लिखो। जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि यू मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग इंग्लिश इन एवरीडे कम्युनिकेशंस। जो एवरीडे कम्युनिकेशंस होते हैं हमारे, वेदर रिटन कम्युनिकेशंस और ओरल कम्युनिकेशंस, उसमें इंग्लिश का धीरे धीरे स्कोप बढ़ाएं, ठीक है। जहां पर नहीं जरूरी है वहां पर ना बोलें, वहां पर ना यूज करें, लेकिन जहां पर जरूरी पड़ जाए उसके लिए तैयार तो रहें, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखेंगे। हाँ, देखिए मैंने आपको बताया रिटर्न की अगर बात है, देन यू मेक अ डायरी, आप एक डायरी बनाएं, ठीक है, और डेली डायरी अपनी मेंटेन करें, उसमें लिखा करें, तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा प्रैक्टिस। रह गई बात, जैसे एक बच्चा इसमें कमेंट कर रहा है, अमन मौर्या, कि ठीक है कि आर एनवायरमेंट डज नॉट फेवर, कि हमारे आसपास में ऐसे लोग नहीं होते जिनके साथ में हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि यू फॉर्म अ ग्रुप, आप एक ग्रुप बनाओ ऐसे स्टूडेंट्स या आपके आसपास के ऐसे लोग जो इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड यू हैव ओकेजनल मीटिंग्स, जब तक अपना कोई मीटिंग रख लो, कोई ग्रुप डिस्कशन रख लो, एंड यू पीपल टॉक इन इंग्लिश ड्यूरिंग दैट डिस्कशन, ठीक है, उसमें इंग्लिश में बोलो। मतलब आप रूल्स अपने सेट कर सकते हो कि भाई एवरीवन हैज टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ समबडी कांट और डजंट स्पीक इन इंग्लिश यू विल हैव टू पे सम काइंड ऑफ फाइन, कोई पेनल्टी रख दो, ठीक है। अच्छा, और यू चूज एनी टॉपिक, कोई अपना एक ऐसा टॉपिक चूज कर लो जिसके साथ में सारे कंफर्टेबल हो, एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। अच्छा, फिर भी मान लो ऐसा नहीं हो पाता, हमारे आसपास में हमें कोई ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो इस टाइप का हो, देन देर इज एन ऑप्शन, जैसे जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं, सपोज आपके पास कोई सिम तो होगी होगी, आपके पास कोई फोन होगा, आपके पास बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, ठीक है, यू जस्ट डायल दोज नंबर्स, यू वॉन्ट बी चार्ज, आपको चार्ज भी नहीं लिया जाएगा आपसे, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर्स मोस्टली तो सारे फ्री ही होते हैं, ठीक है। आप कोई डायल कर दें, हेल्पलाइन नंबर डायल कर दें, किसी बैंक का कर दें, ठीक है, कोरोना वालों का, मतलब कोरोना वालों को तो ना करें, वो तो बदतमीजी हो जाएगी इस समय, उनको ना बिजी करें, मतलब कोई भी ऐसा हेल्पलाइन नंबर है, कोई टोल फ्री नंबर है, उसको डायल करें, एंड यू जस्ट ऑप्ट दें सेकेंड लैंग्वेज। मतलब उसमें मुझे लगता है फर्स्ट लैंग्वेज शायद हिंदी ऑप्शन होती है, सेकेंड इंग्लिश होती है, देन यू ऑप्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद द पर्सन हु इज टेकिंग योर क्वेरी, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब आपको पता है ना, काम को नहीं करने के बहाने ढूंढोगे तो 1,000 मिल जाएंगे, ठीक है, कि अरे नहीं हमारे आसपास में कोई नहीं है, सब गंवा रहे हैं, सब ढीठ हैं, सब अनपढ़ हैं, सब देहाती हैं, तो आपको बहुत अपने आसपास में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिनके थ्रू आप, मतलब आप अपना बहाना चला ले जाओगे, ठीक है। मतलब अगर आप काम नहीं करने के बहाने ढूंढोगे तो 1,000 मिल जाएंगे, काम करने के बहाने ढूंढोगे तो भी 1,000 मिल जाएंगे, बट इट इज अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मतलब चीजों को देखते कैसे हो, तुम्हारा लाइफ को लेकर तुम्हारा अपना नजरिया क्या है। तुम वो लोग हो जो काम करने में भरोसा करते हो, या फिर तुम उनमें से हो जो काम नहीं करने के बहाने ढूंढने में भरोसा करते हो, ठीक है। तो अगर काम करने में भरोसा करते हो तो आपको 1,000 बहाने मिलेंगे काम करने के, कि हम काम क्यों करें, ठीक है। और अगर नहीं काम करना चाहते हो, आलसी हो, या मतलब दूसरों के ऊपर टालते रहते हो, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, जिम्मेदारी नहीं अपनी समझते हो, तो फिर आपको 1,000 बहाने मिलेंगे काम को नहीं करने के, ठीक है। तो ये बातें मत किया करो, इनमें कुछ नहीं रखा है, इन बातों को मेरे साथ मत किया करो, इनमें कुछ नहीं रखा है, ये बचकानी बातें हैं, ठीक है। इतने साल पढ़ा के, इतनी लाइफ जी के, कम से कम ये तो मैं समझ ही गया हूँ कि काम करना चाहोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, काम नहीं करना चाहोगे तो कोई करवा नहीं पाएगा, ठीक है, सच्चाई यही है।
बहानेबाजी में कुछ नहीं रखा। तो खैर ये बातें समझ में आ गई। तो ये जो मैंने आपके साथ कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ना, इनको आप मतलब अपना ढीले धीरे धीरे मतलब ना यू यू अप्लाई देम, आप इनको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए ये तो आसान बातें हैं, इनका ध्यान रखना। अब देखिए मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, इनसे रिलेटेड अगर अभी आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप मुझसे 2 मिनट में पूछें डाउट्स वगैरह। इससे थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि भाई लाइव क्लास में डाउट्स कैसे टाइप करना है, ठीक है, कीबोर्ड कैसे ओपन करना है, डाउट कैसे टाइप करना है, मैसेज कैसे टाइप करना है, ठीक है। तो 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, इफ यू हैव गॉट एनीथिंग टू आस्क, आपको कुछ पूछना है मुझसे तो अभी आप मुझसे डाउट अपना मतलब कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। तो इससे आपका जो रेलिवेंट डाउट होगा वो भी आंसर हो जाएगा, और साथ ही साथ में लाइव टाइम में कैसे मैसेज करना है, कैसे कमेंट करना है, वो भी आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट्स। भेजा तो ना वो डिजाइन। सही है। बहुत से क्वेश्चंस पूछ लिए तुम लोगों ने। लाइव नोट्स रिमूव, हाँ लाइव नोट्स रिमूव, इज इट अ क्वेश्चन। बुक्स बता दीजिए। देखिए मैं बच्चे ना आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करूंगा, टेक्स्ट बुक, एक सेवंथ की सॉरी एक एट्थ की टेक्स्ट बुक होगी और एक ग्रामर बुक होगी, वो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कौन से पब्लिकेशन की लेनी है, कौन सा एडिशन लेना है, तो वो आप लोग ले लेना, ठीक है। लेकिन वो अभी नहीं, मैं आपको मतलब 2-3 हफ्ते बाद बताऊंगा, ठीक है। तो एक आपको टेक्स्ट बुक और एक ग्रामर बुक आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी, जिसके रेस्पेक्ट में आपका सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। मैं जो अपना सिलेबस पढ़ाऊंगा वो तो अलग होगा उससे, ठीक है। लेकिन आप जैसे एक सिस्टम बना रहे हैं, एक सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट बुक और एक ग्रामर बुक ये प्रेस्क्राइब की जाएंगी। जब आपको बताई जाएंगी कि इस पब्लिकेशन की ये बुक्स आपको लेनी है तो वो ले लेना, आपके आसपास में जहां से भी मिले, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, आपके आसपास की स्टेशनरी शॉप से, कहीं से भी मिले तो वो ले लेना। लेकिन हम 2-3 दिन बाद बताएंगे, 2-3 हफ्ते बाद बताएंगे, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी तो जो पढ़ाया जा रहा है उन पर ध्यान दो, ठीक है। हाँ या प्रीवियस क्लास के डाउट्स आप बिल्कुल पूछ सकते हो बच्चे। देखिए जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप लाइव लेक्चर में जो उस समय ऑन द स्पॉट आपको मान लीजिए कोई डाउट आ गया तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। नहीं तो जब आप उसके नोट्स बनाएंगे ना तब एक्चुअल में डाउट्स आपको आएंगे कि भाई ये पूछना रह गया, वो पूछना रह गया, तो वो जब नेक्स्ट क्लास होगी तब उसमें आप पूछें, ठीक है। गुड। हाफ स्क्रीन, ये बच्चे जब आप जैसे कमेंट टाइप करते हैं ना, तो कमेंट टाइप करते समय जो कीबोर्ड आ जाता है वो स्क्रीन कवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने कमेंट टाइप किया बस उसके बाद में अपना उसको जो कीबोर्ड है उसको हटा दीजिए, ठीक है। क्लोज कर दीजिए। जितेंद्र धाकड़, सिंथेसाइज कर लेंगे बच्चे, कवर कर लेंगे, सिंथेसाइज भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ओल्ड न्यूज बिल्कुल पढ़ो, हाँ, ओल्ड न्यूज आप सुनो, इंग्लिश में सुनो ओल्ड न्यूज। हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, बिल्कुल बच्चे सब डिस्कस करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे, सारा हमारे सिलेबस में ही है। ऑल पॉइंट्स क्लियर, गुड। या राहुल सानी, यू आर लाइव, योर कमेंट इज ऑन देयर एंड आई कैन सी योर कमेंट, यू आर लाइव। हाउ टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स वी टीच, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश, देन यू हैव टू बी,
देखिए देखिए, वंस यू स्टार्ट, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता और कभी नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं तो धीरे 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 बेटर होते जाते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और सामने रखता हूँ, ठीक है। नोबडी वॉज इज और एवर विल बी परफेक्ट। ना कोई परफेक्ट कभी था, ना कोई परफेक्ट है, ना कभी कोई परफेक्ट होगा। परफेक्शन इज नेवर एन अचीवमेंट। परफेक्शन कभी भी अचीवमेंट नहीं होता है। नो बडी कैन एवर अचीव परफेक्शन। परफेक्शन कोई अचीव नहीं कर सकता है, बट वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। लेकिन हमें उसके लिए कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम परफेक्शन के लिए कोशिश करते हैं, जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, मान के चलिए आप कभी नहीं हो पाओगे, कोई नहीं हो पाया, आप भी नहीं हो पाओगे और कोई हो भी नहीं पाएगा कभी परफेक्ट, ठीक है। बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। बेहतर बनने का स्कोप हमेशा रहता है, हम हमेशा, आप जो भी जितना भी अच्छे हो जाओगे फिर भी बेहतर बनने का स्कोप बना ही रहेगा, ठीक है। तो आप परफेक्ट तो कोई भी होने से रहा, लेकिन होता क्या है कि जब हम परफेक्शन के लिए कोशिश करते हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रोसेस में हम बेटर बन जाते हैं, मतलब दूसरों से बेहतर हो जाते हैं। परफेक्ट तो खैर कौन होना है, ठीक है। तो आप कोशिश करो, इसी कोशिश का रिजल्ट होगा, आप दूसरों से बेहतर हो जाओगे, खुद से बेहतर हो जाओगे। जो आप 10 साल पहले थे उससे बेहतर आज हो जाओगे, आज जितना हो उससे 2 महीने बाद उससे बेहतर हो जाओगे। तो ये जो लर्निंग है ना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेटर। ये बेहतर होने की प्रोसेस है, जो आज मैं हूँ उससे बेहतर मैं कल हो जाऊं, ठीक है, उससे बेहतर परसों हो जाऊं, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेटर ओनली, ठीक है। तो बस यही है, कोशिश अपने स्टार्टिंग करोगे तो, मतलब कोशिश करते रहोगे तो धीरे धीरे दूसरों से बेहतर होते जाओगे। हाउ टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स हो गया। इस क्लास के ओवर होने पर इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए कोई एडवांस क्लास नहीं, नहीं बच्चे कोई क्लास नहीं लेनी होगी। मैं आपको, मतलब हमारी टीम, मैं बता रहा हूँ, हमारी टीम आपको इतना अच्छा फाउंडेशन देगी कि इसके बाद आपको कोई कोचिंग की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंसियरली, ईमानदारी और मेहनत से पढ़ना, जो बताया जा रहा है वो करना, ठीक है। उसके बाद में आपको इंग्लिश सीखनी है ना, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, अपने आप इंग्लिश को सीख पाओगे, जिस लेवल तक चाहोगे उस लेवल तक सीखते चले जाओगे, ठीक है। कोई कोचिंग, कोई गाइडेंस की फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभिमन्यु कुमार, आई नेवर मेक डिस्कशन ग्रुप्स। मैं कोई ग्रुप्स बनाता भी नहीं, ना कोई फेसबुक ग्रुप, ना फेसबुक पे तो खैर मैं एक्टिव ही नहीं हूँ, 3-4 साल से छोड़ रखा है। कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक चैनल टेलीग्राम का बना रखा है बच्चों के साथ अपडेट करने के लिए, ग्रुप्स नहीं बनाता, क्योंकि मुझे वो पढ़ने के और सीखने और सिखाने के अच्छे तरीके नहीं लगते, ठीक है। तो मैं बनाता भी नहीं और किसी को सजेस्ट भी नहीं करता कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन करो। मैं तो अकेले रह के जितना सीखता हूँ उतना कभी मुझे ग्रुप में सीखने को नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ग्रुप्स वगैरह के मतलब बच्चे कोई कमिटमेंट नहीं। आई एम नॉट एबल टू राइट इन इंग्लिश, नाउ वी विल मेक यू, हम सिखा देंगे तुम्हें बच्चे इंग्लिश में लिखना, हम सिखा देंगे, बस तुम बात मानते रहना। डिड वॉचिंग इंग्लिश वेब सीरीज और मूवी हेल्प्स इन लर्निंग स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन? वॉचिंग इंग्लिश मूवीज हेल्प्स, नॉट दैट मच, उतना ज्यादा भी नहीं हेल्प करता कि आप सोचो कि इंग्लिश मूवीज देखोगे तो इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हेल्प बहुत मतलब नेग्लिजिबल होती है। मतलब समझ लीजिए, अगर आपकी लर्निंग 100% है ना, तो अगर आप मूवीज देखते हो रेगुलर, तो मूवीज से आपको बहुत ज्यादा 5% की मदद मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, प्रोनंसिएशन में हेल्प मिलती है, मतलब इंग्लिश मूवीज जो है ना वो आपको प्रोनंसिएशन में हेल्प करती हैं, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए इसमें हेल्प करती हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, बुक्स का बता देंगे बच्चे, बिल्कुल। नहीं, बुक्स तो हम परचेज नहीं करेंगे, बुक्स हम परचेज ही नहीं करेंगे, बस हम रिकमेंड कर देंगे, प्रेस्क्राइब कर देंगे कि भाई इस पब्लिकेशन की आपको ये बुक लेनी है, आप कहीं से भी ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो, अमेजन से ले लो, ठीक है, आपके आसपास में कोई स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल हो आप वहां से ले लो। बुक्स हमें नहीं बेचनी है, वो हम बस आपको बता देंगे ये वाली बुक्स ले लो, इन बुक्स से हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, इन बुक्स के हम एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे, इन बुक्स के हम चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, वो आप कहीं से भी ले लो। मैं क्लासेस, बच्चे देखो इस वीक में तो सारी क्लासेस मेरी ही हैं, दिस वीक मतलब 5 क्लासेस तो मैं ही लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से मेरी 3 क्लासेस रहा करेंगी, एक वीक में मतलब मंडे वेंसडे फ्राइडे लगभग मेरी ही क्लासेस रहा करेंगी, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे को मतलब सुजैन मैम या दुरानी सर की क्लासेस रहेंगी। डाउट क्लासेस वॉन्ट बी कंडक्टेड सेपरेट, ठीक है, वो सेपरेट नहीं होंगी क्लासेस, आपको लाइव लेक्चर में ही डाउट्स अपना पूछ लेना। हाँ ठीक है, आई हैव नो क्वेश्चन, थैंक यू बच्चे।
चल, बिल्कुल बच्चे, परफेक्शन ही चाहो, मिलता नहीं है, बस ये बता रहा हूँ। जो लोग ये समझते हैं ना कभी परफेक्ट हो जाएंगे, और वो इतना सच्चाई से चीजों को नहीं समझते, गहराई से नहीं समझते, वो फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वो नशा पानी शुरू कर देते हैं, फिर वो ऊंची छत ढूंढने चल देते हैं, फिर वो रेलवे ट्रैक कहाँ है वो ढूंढते घूमते हैं, फिर वो ठीक है, फिर वो रस्सी ढूंढते घूमते हैं। तो ये लाइफ को रियलिस्टिक होके जियो, ठीक है। हाँ, आइडियलिस्ट होने में फायदा है, लेकिन जीना चाहिए रियलिस्टिक वे में। तो रियलिस्ट बनो और ये समझो कि परफेक्शन कभी किसी को मिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश उसी की करनी चाहिए। हाउ शुड बी योर टीचिंग? एक मिनट, कहाँ चला गया बच्चे, तुम्हारा मैसेज ही नहीं दिखा मुझे। थैंक्स, ऑफ कोर्स थिंकिंग इन इंग्लिश हेल्प्स अलॉट, ठीक है। चले, रिकॉर्डेड वीडियो कैसे देखने? कुछ नहीं बच्चे, जैसे आपका ये लेक्चर है ना, ये आपका पास्ट वीडियोज एक सेक्शन होता है आपके कोर्स में, आपके कोर्स में, आपका जो कोर्स है ना असेक फाउंडेशन, जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें आपको मतलब कुछ सेक्शंस दिखाई पड़ेंगे, पास्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस। तो अपकमिंग में तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, लाइव शेड्यूल, वो आपको पता चल जाएगी कि नेक्स्ट आपकी क्लास इस दिन शेड्यूल है, इतने बजे, ठीक है। और पास्ट वीडियोज में आपका रिकॉर्डेड लेक्चर सेव हो जाता है। तो पास्ट वीडियोज होते हैं ना, उनमें आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर सेव रहते हैं। पास्ट वीडियोज को क्लिक करो, उसमें आपके जो लेक्चर्स हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे रहेंगे, बस अपना क्लिक करो और देखने लग जाओ। क्लास टाइम बच्चे इसका है 5 to 6, 5 to 6 PM इन द इवनिंग, 5 to 6 PM क्लास होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। हाँ, वीडियो बफरिंग बच्चे इसलिए कर रहा होगा क्योंकि आपका ना नेट कनेक्शन वीक होगा। तो आप जैसे लाइव क्लास के लिए ना अपना मतलब नेट वगैरह का ध्यान रखें, कि ऐसा ना हो कि डेटा अपना खर्च कर लेंगे तो फिर उसके बाद में तो वीडियो लाइव देखने में मुश्किल होगी, ठीक है। नो, यू कैन नॉट सी अदर स्टूडेंट्स कमेंट्स। थैंक यू आशीष। चलिए, अब देखिए 10-20 मिनट बचे हैं ना, मैं आज आपको कुछ बता देता हूँ, दो तीन बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ। बाकी तो एक तरीके से आपका बैच कल से ही फॉर्मली स्टार्ट होगा, क्योंकि आज तो हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लगा दिया। हाँ, आई हैव टू थिंक, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग डियर। अ टीचर हु कांट, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। क्या नाम था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो होते हैं, उन्हीं की मतलब बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग इंडिया में टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। उनका एक कोट था, मैंने पढ़ा कभी न्यूज़पेपर में, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने लिखा, वन हु कैन थिंक रिक्वायर्स नो टीचर, कि वो पर्सन जो सोच सकता है उसको टीचर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसका मतलब क्या समझना है वो अलग बात है, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इसका मतलब ये है कि टीचर्स की जरूरत है हमें इसलिए जिससे कि हम सोचना सीख पाए। मतलब हमें टीचर्स की जरूरत इसलिए नहीं कि वो आए हमें बताएं और हम याद कर लें और हम घर चले जाएं, वो घर चले जाएं। नो, वी डोंट रिक्वायर टीचर्स फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। वी नीड, वी रिक्वायर टीचर्स टू मेक अस थिंक। हमें टीचर्स की इसलिए जरूरत है कि वो हमें सोचने के काबिल बनाएं, वो हमें इतना काबिल बनाएं कि हम भी सोचना समझ पाए, हम भी सोचना समझना ये इसके काबिल हो जाएं। तो फिर हमें धीरे धीरे टीचर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। और पता चले अगर हमें लाइफ लॉन्ग टीचर्स की जरूरत रहेगी तो ऐसे टीचर्स तो फेल हैं। मान लीजिए कोई पर्सन मुझे पढ़ा रहा है और जिंदगी भर उस पर्सन को मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, तो या तो मैं फेल पर्सन हूं या फिर वो पढ़ाने वाला फेल पर्सन है। टीचर्स वो होते हैं भाई, आपको एक मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, एक आपको अच्छा फाउंडेशन दे दिया, एंड दे एनेबल्ड यू, उन्होंने आपको काबिल बना दिया कि अब आप सोचो समझो, ठीक है। आपको इतना मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी, बस अब टीचर्स की जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ो रास्ते पे, ठीक है। तो ये होता है। तो ये जो आप कह रहे हो, आई हैव टू थिंक, दैट्स व्हाट आई वांट, यही तो मैं चाहता हूं कि भैया सोचो, पढ़ते समय सोचो, पूछते समय सोचो, किसी को समझाते समय सोचो, ठीक है। बिना सोचे तो कुछ मानो ही मत, बिना सोचे तो बोलो मत, बिना सोचे तो मतलब सुनो मत। दैट इज द होल एसेंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। टीचिंग लर्निंग का पूरा एसेंस ही यही है कि आप कुछ पूछो तो पहले सोचो फिर पूछो, आप किसी को कुछ बताओ तो पहले सोचो फिर बताओ, ठीक है। मतलब आप कुछ मानना चाहते हो तो पहले सोचो फिर मानो, ये है। तो दैट इज लर्निंग। लर्निंग और टीचिंग का पूरा एसेंस ही इसी पे है कि आप उस पर्सन को सोचने के काबिल बना पा रहे हो नहीं।
क्या वो सोच समझ पाएगा जरूरत पड़ने पे या नहीं, कि उसको याद करके ही बैठना पड़ेगा जो आप उसे बताए दे रहे हो। अगर जो बताए दे रहे हो वो याद करके ही बैठना पड़ेगा तो फिर टीचिंग फेल है। अगर आपको उसको याद करके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद इतना काबिल हो गया कि जरूरत पड़ने पे अपने आप एनालिटिक्स उसमें डेवलप हो गए, जरूरत पड़ने पे वो खुद सोच समझ लेगा, तो फिर आपने उसको सही पढ़ाया। और अगर जरूरत पड़ने पे वो खुद नहीं सोच समझ पाएगा और आपको उसकी बातें याद करनी पड़ेंगी, रट्टा मारनी पड़ेंगी, तो फिर आप टीचर फेल हो। ठीक है, ये कहानी है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, आप सोचते हैं। आई हैव टू मेक नोट सेपरेट फॉर ईच टीचर्स, वो तो करने पड़ेंगे बच्चे, ऐसे ही करने पड़ेंगे। हाँ हाँ क्लास टाइम कांट बी चेंज, क्लास टाइम अब नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, अच्छा यूको बैंक में मंजीत तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। हाँ अच्छा, सीजियल देना चाहते हो, श्योरली आप जरूर सीजियल दो बच्चे। आप जरूर सीजियल की तैयारी करो और सीजियल जरूर दो। हाँ चलिए ठीक है। नाउ 20 मिनट्स आर लेफ्ट, तो देखिए 20 मिनट्स बचे हुए हैं ना, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्लाइड है ना, बस इसके जो दो चार कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ खैर, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत सी बातें पूछी हैं, अच्छी बातें पूछी हैं। ठीक है, ये अच्छा लगता है। हाँ क्लास टाइम बच्चे नहीं चेंज हो सकता नहीं नहीं हो सकता, एक स्केड्यूल होता है ना, उसके हिसाब से सारी क्लासेस शेड्यूल होती हैं। हाँ तो जनरली हमारी कोशिश, मतलब हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमने बैच अनाउंस करते समय जो टाइम दिया है बच्चों को वो ही टाइम रहे, चेंज ना हो, जैसे कि ना हमें कोई दिक्कत हो ना बाद में बच्चे को दिक्कत हो। देखिए जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज, सपोज आप हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या पंजाबी, आप कोई भी लैंग्वेज सीखे हैं, इन आर केस वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, लैंग्वेज लर्निंग इट टेक्स प्लेस एट टू लेवल्स, लैंग्वेज लर्निंग दो लेवल्स पे होती है। ठीक है, एक सेंटेंस और एक द मैसेज। ठीक है, देखिए मैं आपको इनको सीधे और तरीकों से समझा देता हूँ, कि जैसे जब हम कोई भाषा सीखते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या समझना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो हम इसको ना दो पैरामीटर्स पे सीखते हैं, दो लेवल होते हैं इसके लर्निंग के। एक तो लेवल होता है सेंटेंस, मतलब सेंटेंस आप समझ रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिजिकल फॉर्म जो हमें दिखाई पड़ता है सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और एक होता है उसका मैसेज, मैसेज जो होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, जैसे ही मैंने लिखा है ना, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये क्यों लिखा गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या मैसेज है, ठीक है, ये वर्ड्स, ये ग्रुप्स, ये किस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, वो भी लैंग्वेज लर्निंग का ही पार्ट होता है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मतलब और अगर हम कुछ टर्म्स यूज कर लें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस है, ठीक है, और मैसेज है। मैसेज हो गया कॉन्टेक्स्ट, कि जो आप बात कह रहे हो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस जो होता है आपका, ठीक है, और उस सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, ये दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं वो लैंग्वेज लर्निंग में हमें एक साथ में पैरेलली कैरी करने चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि जो सेंटेंस होता है और मीनिंग होता है, ये दोनों लैंग्वेज के एलिमेंट्स हो गए, सेंटेंस और मीनिंग, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, होता क्या है कि सेंटेंस किसी न किसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए ही लिखा बोला जाता है। मान लीजिए हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, हम किसी कोई सेंटेंस कह रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे ये कि वी वॉन्ट टू शेयर समथिंग। देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, थोड़ा सा और पीछे से ले जाता हूँ, जिससे कि आप बेटर समझ में आपको बात आए। ये छोटी छोटी बातें जितना अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे ना, उतना ही लैंग्वेज सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो ये सबको पता है कि जो लैंग्वेज होती है ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, लैंग्वेजेस आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हाँ एक मिनट बच्चे, बिल्कुल बच्चे लेक्चर हो गया स्टार्ट। हाँ डियर अशोक, दिस कोर्स विल हेल्प यू इन लैंग्वेज, ठीक है, एंड नाउ व्हाट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग इंग्लिश फॉर, तो सब में मदद करेगा। देखो लैंग्वेजेस जो होती हैं, दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं,
ये तो पता ही है सबको कि जब हमें कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मैं जैसे मुझे कुछ कहना है किसी से, मैं किसी को कुछ समझाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे समझाऊंगा? आई नीड अ लैंग्वेज, मुझे एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू मैं उसको समझाऊं, ठीक है, कम्युनिकेट करूं। अच्छा, अब हम कम्युनिकेट करते क्या हैं, ये रह गई बात। हम कम्युनिकेट क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, एटसेट्रा। तो जैसे हमारे दिमाग में कोई थॉट है, या कोई वी हैव जस्ट फेल्ट समथिंग और वी हैव एक्सपीरियंस समथिंग, ठीक है, एंड वी हैव गॉट एन आइडिया, या हमारे दिमाग में कोई आइडिया है, कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हम उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब पहुंचाना चाहते हैं दूसरे तक, या कोई दूसरा हमारे तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये जैसे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, दीज थिंग्स लाई इन आर माइंड, ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। तो एनी थिंग विच लाइज इन माइंड इज कॉल्ड मीनिंग। मीनिंग का मतलब समथिंग विच यू कैरी इज इन योर माइंड, ठीक है, समथिंग विच यू कैरी इन योर माइंड, दैट इज अ मीनिंग, ठीक है। तो जैसे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हमको हम इन सारी चीजों को इन जनरल मीनिंग कह रहे हैं। तो हम लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, लैंग्वेजेस की हमें जरूरत होती है टू कम्युनिकेट द मीनिंग। मीनिंग का मतलब समथिंग दैट इज इन योर माइंड, व्हाट डू यू मीन, ठीक है, आपका क्या कहना है वो। तो जो मीनिंग होता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। सो लैंग्वेजेस आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस का कोई ना कोई अंडरस्टूड एक लॉजिक होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक मीनिंग होता है, ठीक है, उस बात को कहने के लिए, बताने के लिए वो सेंटेंस यूज किया गया होता है। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि लैंग्वेज लर्निंग के दो स्टेप हो गए, दो मतलब एलिमेंट्स हो गए, एक हो गया सेंटेंस और एक हो गया उस सेंटेंस का मैसेज, जो मैसेज उस सेंटेंस के थ्रू कन्वे किया जा रहा है, मीनिंग। अब लैंग्वेज सीखते समय हमें ध्यान ये रखना होता है कि दोनों चीजें सही रहें, जो सेंटेंस है वो भी सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और जो उसका मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो भी लॉजिकल होना चाहिए। मतलब देखिए, लैंग्वेज में गलतियां क्यों होती हैं, लैंग्वेज में गलतियां इसलिए होती हैं, या तो आप सेंटेंस जो पार्ट है ये आप गलत कर लेते हो, मतलब ठीक है, या फिर जो सेंटेंस के थ्रू कहा जा रहा है, आपका मैसेज, आपका मीनिंग, वो गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखो, सेंटेंस सही है गलत है, इसके लिए हम ग्रामर सीखते हैं, ठीक है भाई, कोई सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर जो है वो सही है या गलत है, ये तो हम ग्रामर में सीखते हैं। अच्छा, जो मैसेज है, मैसेज हम कह रहे हैं मीनिंग, मैसेज का मतलब हो गया मीनिंग, जो सेंटेंस का अपना मीनिंग है, ठीक है, वो सही है गलत है, वो कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग कन्वे किया जा सकता है, क्या वो कॉन्टेक्स्ट वैलिड है या वो वैलिड नहीं है, ठीक है। देखो, मैं और मोटे शब्दों में बात करूं, बिकॉज वी आर नॉट लिंग्विस्ट, हम कोई मतलब फॉर्मल वैसे क्लास तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे ये हो गया सेमेंटिक्स पार्ट और ये हो गया सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स जो होता है ना, वो सेंटेंस को डील करता है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस फॉर्म में, किस जगह पर, किससे पहले, किसके बाद में आना चाहिए, सिंटैक्स, ठीक है। अच्छा, और जो हमने कहा है उसका क्या मीनिंग है, क्या वो मीनिंग मतलब लॉजिकल है या नहीं लॉजिकल है, वो सिमेंटिक्स है, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा, आप उन झंझटों में ना पढ़ें, ठीक है, वो प्योर टेक्निकल लिंग्विस्टिक्स के वर्ड हैं, हमें उनमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि लैंग्वेज को आपको दो लेवल पे डील करना होता है, एक सेंटेंस लेवल पर और एक उस सेंटेंस के मीनिंग के लेवल पे। तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि जो हमारा सेंटेंस है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए और जो उस सेंटेंस का मीनिंग है वो भी लॉजिकली सही होना चाहिए, ठीक है। मैं इन बातों को समझाने के लिए दो एग्जाम्पल आपके सामने यूज करता हूँ, जिससे आप ये बात जल्दी समझ जाओगे। देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे किल्ड ही, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा दे किल्ड मी। अब देखिए, जैसे मैंने दो सेंटेंसेस यहां पे लिखे, दे किल्ड ही एंड दे किल्ड मी, खैर
खैर अभी तो हम काफी चीजें सीखेंगे, लेकिन मैं बस आपको समझाने के लिए कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर दोनों चीजें, तो देखो दे किल्ड ही जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो किल्ड है इसके बाद जो हमने प्रोनाउन ही लिख रखा है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब से पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट यहाँ पर है दे। तो जो ही है ना वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ही जो है ऑब्जेक्ट है तो हमें इसको हिम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ही जो होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, उसको एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हमें लिखना पड़ेगा दे किल्ड हिम, और ये सही हो गया। तो ये जो सेंटेंस हमारा पहले गलत था ना, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत था, सिंटैक्स इसका गलत था। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं दे किल्ड मी, जैसे हमने दे किल्ड मी लिखा। अब इसमें अगर आप देखें ना तो ग्रामर के हिसाब से सब कुछ सही है, भाई दे सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और मी जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, अगर आई लिख देते तो गलत हो जाता, मी लिखा तो सही है। लेकिन अब ये सेंटेंस जो है ना, इट इज नॉट लॉजिकल, ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ये जो मी होता है ना बच्चे, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, जो कह रहा है बात को, जो बोल रहा है वो। अब अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है दे किल्ड मी, कि उन्होंने मुझे मार दिया था, तो इसका मतलब ये पर्सन मर चुका होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका मतलब काम हो चुका है। ठीक है, दे किल्ड मी का मतलब उन्होंने मुझे मार दिया था, तो इसका मतलब ये पर्सन डेड है, मर गया। तो अगर ये डेड है तो ये स्पीकर कैसे बता कैसे रहा किसी को, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। अब ये तो गलत था अकॉर्डिंग टू ग्रामर, लेकिन ये गलत है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, कि ये सेंटेंस का जो मीनिंग है ना वो लॉजिकल नहीं है। तो ये सेंटेंस मीनिंग के अकॉर्डिंग गलत है, बिकॉज द मीनिंग दैट दिस सेंटेंस इज कन्वेइंग इज नॉट लॉजिकल। ये मीनिंग लॉजिकल नहीं है, ये मीनिंग सेंसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज परफेक्ट। ठीक है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इट हैज गॉट नो एरर। ठीक है, लेकिन हमें पता है द मीनिंग विच इज बींग कन्वेड थ्रू दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ लॉजिकल वन, वो लॉजिकल मीनिंग नहीं है, तो ये गलत है। हमें इसे भी सही करना पड़ेगा, जैसे इसको सही किया था ना ही की जगह हिम लिखकर, वैसे इसे भी सही करना पड़ेगा। अब इसको सही करने का क्या तरीका है, मैं बताता हूँ इसको सही करने का तरीका क्या बच्चे। इसको सही करने का तरीका एक तो ये कि आप फर्स्ट पर्सन यूज मत करो, कोई दूसरा यूज कर लो, थर्ड पर्सन, दे किल्ड हर, दे किल्ड हिम, ऐसे लिख दो। और या फिर कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनाओ जो कि लॉजिकल हो, मतलब आप इस सेंटेंस को अगर फर्स्ट पर्सन मी के साथ लिखना चाहते हो तो लिखो, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरीके से बनाओ कि जो लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑलमोस्ट, दे ऑलमोस्ट किल्ड हिम, दे ऑलमोस्ट किल्ड मी, तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट का मतलब हो गया नॉट एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने एग्जैक्टली मुझे नहीं, मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी दूसरे को मारा, अधमरा कर दिया, मतलब जान से एग्जैक्टली वो मरा नहीं है, ठीक है, लेकिन लगभग उतना ही हो गया। तो ये जो हमने लिखा ना ऑलमोस्ट किल्ड मी, लो ये भी सही हो गया, क्योंकि अगर हम ऑलमोस्ट लिख देंगे ना यहाँ पर तो ये लॉजिकल है कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, और देखो क्या क्या हो सकता था, अगर हम ऑलमोस्ट ना लिखते, अगर हम विल किल लिख दें, दे विल किल मी, तो भी हो जाएगा सही, क्योंकि फ्यूचर है ना। अगर हम लिख देंगे दे विल किल मी, तो इसका मतलब द स्पीकर इज नॉट डेड नाउ, बट ही इज प्रिडिक्टिंग दैट ही माइट बी किल्ड, कि वो फ्यूचर में किल किया जाएगा। ठीक है, इट इज करेक्ट, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में किल किया जाएगा तो इसका मतलब वो प्रेजेंट में अलाइव है, अगर प्रेजेंट में अलाइव है देन ही कैन बी द स्पीकर, तो वो स्पीकर हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो या तो आप लिख दो दे ऑलमोस्ट किल्ड मी, या आप लिख दो दे विल किल मी, या तो आप टेंस चेंज कर दो वर्ब का, ठीक है, या आप वर्ब के साथ में ऑलमोस्ट यूज कर दो, जिससे ये पता चल जाए कि ये मतलब एग्जैक्ट हैपनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि जब आप सेंटेंस सीखते हैं, जब आप लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसमें केवल ग्रामर पे फोकस ना करें सारा, मतलब ग्रामर पे फोकस करना है, ऑब्वियस बात है, हमें ध्यान देना है, ग्रामर के जो भी प्रेस्क्राइब्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, यूसेस हैं, हमें वो सीखने हैं और उनके हिसाब से ही अपनी लैंग्वेज को लिखना बोलना पढ़ना है। ठीक है, लेकिन केवल ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, मतलब केवल रूल्स के राजा नहीं बन जाना है। ठीक है, थोड़ा सेंस, थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा लॉजिक, इनका भी यूज करना है। ठीक, और देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा ही इज हियर, दूसरा मैंने लिखा ही इज देयर, तीसरा मैंने लिखा आई एम हियर, फोर्थ मैंने लिखा आई एम देयर। ठीक है,
अब जैसे मैंने फोर सेंटेंसेस लिख दिए, ही इज हियर, ही इज देयर, आई एम हियर, आई एम देयर, ठीक है। चलो मुझे बताओ ये सारे सेंटेंस है ये सारे गलत? ही इज हियर, ही इज देयर, आई एम हियर, आई एम देयर, ठीक है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ, आर ऑल दीज स्टेटमेंट्स करेक्ट और एनी ऑफ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग? क्या ये सारे सही है या इनमें से कोई गलत है? जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जितने भी बच्चे लाइव हैं उस समय क्लास में सबको कमेंट करना है, ठीक है। बेटा ध्यान से बताओ शुभम, ध्यान से। हाँ बहुत अच्छी बात, बेटा क्या नाम है, अनुरा मंडल, ध्यान दिया करो थोड़ा सा। हाँ समझने की ना कोशिश किया करो, सोचा करो। जैसे अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो मुझे सोचना चाहिए पूछने से पहले, उसी तरीके से अगर तुम मेरे क्वेश्चन को आंसर करोगे तो तुम्हें भी सोचना चाहिए आंसर करने से पहले, ठीक है। अब देखो अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये सारे सेंटेंसेस सही हैं, अगर हम केवल ग्रामर की बात करें तो ये सारे सेंटेंस सही है, ही इज हियर सही है, ही इज देयर सही है, आई एम हियर सही है, आई एम देयर सही है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, केवल ग्रामर से तो गलतियां नहीं होती हैं, हमें लैंग्वेज सीखते समय ग्रामर को ही ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें लैंग्वेज सीखते समय जो हमारा सेंटेंस है उसके मैसेज को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई इस सेंटेंस का मैसेज क्या है, मीनिंग क्या है, क्या ऐसा तो नहीं कि मीनिंग करप्ट हो गया हो, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ही थर्ड पर्सन होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई स्पीकर होता है, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ही इज हियर कि वो यहीं है, लॉजिकल है भाई, थर्ड पर्सन है हमारे पास, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ही इज देयर वहां है तो ये भी सही है, तो मतलब ही इज हियर भी सही है, ही इज देयर भी सही है। अच्छा आई एम हियर मैं यहाँ हूं तो ये भी सही है, आई एम देयर ये गलत है। अच्छा आई एम देयर गलत क्यों है, देखो ध्यान से समझना, आई एम देयर गलत क्यों हुआ मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं तो ये बात छोटी छोटी होती है, सबको पता होनी चाहिए। हियर का मतलब होता है एट दिस प्लेस, हियर का मतलब एट दिस प्लेस, इस जगह, इस जगह का मतलब जहां पे स्पीकर खुद है वो, और देयर का मतलब होता है एट दैट प्लेस। ठीक है, हियर का मतलब एट दिस प्लेस, दिस प्लेस का मतलब जहां पर स्पीकर है खुद वहां पर, और देयर का मतलब किसी दूसरी जगह जहां पे स्पीकर खुद नहीं है वैसी जगह, ठीक है। अब जैसे अगर मैं लिख दूंगा आई एम देयर, तो आई एम देयर का मतलब कि आई जो स्पीकर है वो खुद को रेफर कर रहा है किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो खुद नहीं है, तो ये इलॉजिकल हो गया, क्योंकि अगर स्पीकर अपनी पोजिशन को रेफर करने के लिए एडवर्ब यूज करेगा तो उसको हियर यूज करना पड़ेगा, और अगर वो देयर यूज कर रहा है तो इसका मतलब वो किसी ऐसी पोजिशन, ऐसे पॉइंट को, ऐसे प्लेस को रेफर कर रहा है जो उसकी अपनी लोकेशन नहीं है, तो अगर उसकी अपनी लोकेशन नहीं है तो आई एम देयर लिखेगा कैसे, और आई एम हियर सही है, तो ये जो आई एम देयर है ना बच्चे ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ग्रामर पे केवल फोकस ना करें, बच्चा होता है ना वो केवल ग्रामर के रूल सीखता रह जाता है और इन चीजों का ध्यान नहीं देता। अच्छा इन्हीं की वजह से फिर कंफ्यूजन और उसका डाउट कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता है, तो अगर चाहते हो कि डाउट्स ना हो, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, तो लैंग्वेज को इस एंगल से देखने की कोशिश करो। एक छोटी सी और बात बताता हूँ, देखो अगर मैं लिख दूं ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट देयर, आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट देयर, ठीक है। चलो अब बताओ कौन सा सही कौन सा गलत, चलो बताओ फिर से। एक मिनट, देयर ही लिख दिया मैंने तो, ठीक है बच्चे। चलो अब बताओ ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट देयर, आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट देयर, चलो बताओ सारे सही है? बिल्कुल बच्चे, आई वॉज देयर सही हो जाएगा, ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट देयर, आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट देयर, अब देखो ग्रामेटिकली ये सारे सही है,
ग्रामर के हिसाब से ना ये सारे सही हैं, ये भी ग्रामेटिकली सही है, 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 ठीक है। लेकिन अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिकली ये सही है, ये सही है, ये सही है, आई एम नॉट देयर, क्योंकि देयर जो होते हैं ना वो स्पीकर की अपनी पोजिशन नहीं होती, तो आई एम नॉट देयर लिखना सही है, क्योंकि जो स्पीकर की अपनी पोजिशन है स्पीकर वहां पर होगा, ऐसी पोजिशन जो स्पीकर की अपनी नहीं है वहां पे वो वैसे ही नहीं होगा, तो आई एम नॉट देयर सेंटेंस सही है और ये गलत हो गया। आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट हियर ये गलत हो गया, क्योंकि हियर रेफर करता है स्पीकर की अपनी पोजिशन को, और अगर कहते हैं स्पीकर में अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं हो तो ये गलत है, तो आई एम नॉट हियर गलत हो गया, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, ये बेसिक सी बात ध्यान रखनी है, आज की क्लास में बस हमने इतना ही सीखा। लैंग्वेज को हम दो लेवल्स पे डील करते हैं, दो लेवल्स पे सीखते हैं, एट द लेवल ऑफ द सेंटेंस एंड एट द लेवल ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मैसेज ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। बोथ शुड बी करेक्ट, लैंग्वेज का जो मतलब जो सेंटेंस है वो हमारा ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, और जो उसका मैसेज है वो भी लॉजिकली सही होना चाहिए, तो ग्रामर और लॉजिक दोनों चीजों को साथ साथ में लेके चलना है हम लोगों को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये दो तीन एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए ना, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जब इस